हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारी चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज एक रेसिपी लेके आए हैं उड़ीसा का फेमस आरिसा पीठा। तो आप लोग हमारी वीडियो में बने रहें शुरू से एंड तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमारी उड़ीसा का फेमस है आरिसा पीठा, तो हम बनाएंगे आज आरिसा पीठा। और साल भर तक भी रख सकते हैं आरिसा पीठा को, कुछ नहीं होता है, खराब नहीं होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आरिसा पीठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं चावल। चावल हमने ले लिए हैं, आधा किलो चावल है, तो हमने रात को भिगा लिए थे। ये देखिए भीग चुका है, तो अभी इसका पानी फेंक देंगे और एक जाली में रखेंगे ताकि सारा पानी निथर जाएगा। तो ग्राइंडिंग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग बने रहें वीडियो में। तो दोस्तों, एक आटा चालनी में अभी डाल देंगे चावल को, उसका पानी निथर जाएगा, तो ग्राइंडिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, हमने चावल का पानी डाल दिए और जाली में रख दिए चावल पानी निथरने के लिए। पानी निथर जाएगा दोस्तों, पानी निथर गया, आप लोग देख सकते होंगे। तो अभी इसको ग्राइंडिंग कर लेंगे, मिक्सर के जार में डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने ग्राइंडिंग कर लिए हैं चावल को। मेरे बेटा अभी आटा चालनी में चालनी कर रहा है ना बाबू? हाँ दोस्तों, आपको अपनी मम्मी का काम मानना अच्छा लगता है या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, हमने ग्राइंडिंग कर लिए हैं और इतना आटा हुआ उसका, ये वाटी में दो वाटी हुआ। तो अभी हम लेंगे शक्कर एक कटोरी, दो कटोरी आटा हुआ तो एक कटोरी लेंगे हम शक्कर। तो दोस्तों, एक कटोरी हमने शक्कर ले लिए हैं। तो दोस्तों, एक कटोरी शक्कर में थोड़ा सा ही पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, दो तीन चम्मच जैसा डालेंगे पानी। अभी गैस के ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों, हमने गैस चालू कर दिए हैं, अभी इसको चलाएंगे और चाशनी बनाएंगे। तो दोस्तों, देख सकते होंगे शक्कर पिघल रहा है। तो दोस्तों देखिए कैसे तार बन रहा है। तो देखते हैं पहले इसको चेक करके, इसमें पानी रखे हैं हम वाटी में, देखते हैं। तो देखिए ठीक से नहीं बना है चाशनी। तो दोस्तों, अभी देखते हैं चेक करके तार बन रहा है क्या। तो दोस्तों, अभी बन गया है चाशनी, बन के रेडी हो गया है। अभी और डालेंगे आटा, आप लोग देख सकते होंगे। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा बड़ी सब डालेंगे। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आटा डालेंगे अभी, चावल का आटा। Thank you.
करते जाएंगे, नहीं तो गोला हो जाता है। तो दोस्तों चावल का आटा हमने पूरा डाल दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। पाँच मिनट तक ऐसे स्लो आंच में पका लेंगे ताकि वो चावल का आटा जो पक जाएगा तभी जाके अच्छा लगेगा आरिसा पीठा। तो दोस्तों 5 मिनट हो गया, अभी गैस बंद कर देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद तलेंगे तेल में। तो आप लोग देख सकते होंगे, तो दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे ठंडा हो चुका है। अभी एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अच्छा से मल लेंगे और छोटे छोटे लोई काट के तलेंगे आरिसा पीठा। तो दोस्तों हमने निकाल लिए हैं प्लेट में, अच्छी तरह से मलते हैं। थोड़ा सा तेल का हाथ लगा लेंगे, तो दोस्तों अच्छी तरह से मलेंगे। तो दोस्तों हमने मल लिया अच्छी तरह से, अभी ऐसे गोल गोल छोटे छोटे लोई काट लेंगे और ऐसे गोल गोल करके तलेंगे। और इधर हमने तेल रख दिए हैं कढ़ाई में, गर्म हो चुका है तेल। गरम चुका, अब एक एक करके डाल देंगे। तो दोस्तों फ्राई हो गया, आप लोग देख सकते होंगे। गैस को फास्ट नहीं किए हैं हमने, स्लो गैस में तल रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे आरिसा पीठा बन के रेडी हो गया, तो निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते होंगे आरिसा पीठा बन के रेडी हो गया। तो आज का रेसिपी आप लोग को कैसे लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं और एक नया रेसिपी लेके।